हे दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर अपने एक्वेरियम में हम ओरिंडा रोलफिश रखना चाहते हैं या डालना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो उसके साथ, तो किन बातों का है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे हम जो फिश लाएँ अगर खरीद रहे तो हम भी खुश रहें और हमारे साथ साथ हमारी फिश भी खुश रहे, एकदम मस्त रहे हमारे एक्वेरियम में। तो कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए जिससे हमारी फिश को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और अगर आपकी फिश को प्रॉब्लम नहीं होती तो हम लोग भी एकदम अच्छे से रहेंगे। तो पहली बात, ओरिंडा रोलफिश होती है, डोलफिश एक वैरायटी है जो हम सबको पता है, काफ़ी पीसफुल होती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में डोलफिश की सारी वैरायटी बहुत पीसफुल होती हैं, तो ये भी काफ़ी पीसफुल होती है और 8 से 9 इंच तक बड़ी हो जाती हैं। अब ओरिंडा डोलफिश की एक बहुत ही खास बात होती है, बहुत ही अलग फीचर होता है जो उनको बाकी सारे डोलफिश से या नॉर्मल फिश से अलग कर देता है, वो ये होता है कि उनके सर के ऊपर एक फ्लेसी सा ग्रोथ हो जाता है जो अलग से ही देखने में पता चल जाता है कि हाँ यार ये सर के ऊपर क्या चीज़ है। मैं फ्लावर हॉर्न की हेड की बात नहीं कर रहा कि उतना बड़ा सा कुछ फूल जा रहा है, बस थोड़ा सा एक अलग से एक यूनिट से दिखता है कि यार कुछ अलग सा फ्लेसी ओवरग्रोथ है यहाँ पे। अब अगली बात जो हमें ध्यान में रखना है कि ओरिंडा रोलफिश तो ना ज़्यादा मतलब लेजी फिश नहीं होती है, वो हमेशा नॉर्मल स्पीड में तैरती रहेगी, ज़्यादा हाइट नहीं करेगी। हाँ, बहुत ये नहीं है कि बहुत तेज़ स्विम करेगी, नॉर्मल स्विम करती है क्योंकि काफ़ी हड्डी डट्टी होती है तो ज़्यादा तेज़ नहीं स्विम कर पाती है। अगली बात है कि ओरिंडा गोल्डफिश होती है ना, वो गोल्डफिश की वैरायटी पर काफ़ी डेलिकेट है, अगर मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ हुआ पानी के साथ या इनको कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मिला या परफेक्ट इन्वायरमेंट इनके हिसाब से नहीं मिला तो ये उतनी हार्डी नहीं होती बाकी गोल्डफिश से, इस तरह की यार झेल जाएंगे उस हालात को, उसमें आपकी फिश को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस फिश को रखने के लिए हमें और दम अच्छे से सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि यार किस चीज़ इस फिश को ज़रूरत होती है, ताकि उस हिसाब से हम सारी चीज़ें मेंटेन कर सकें और हमारी फिश को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहली बात, ओरिंडा गोल्डफिश होता है पुअर वाटर क्वालिटी को एकदम से टॉलरेट नहीं करने वाली, वाटर टेम्परेचर इसको एकदम मस्त सा चाहिए और इसको कोई हाई फ्लो नहीं चाहिए वाटर, मतलब आपको ऐसा फिल्टर मत बैठा देना एकदम भना भन पानी का फ्लो बढ़ाए रहे जिससे आपकी फिश को स्विम करने में प्रॉब्लम हो। तो वाटर क्वालिटी आपको एकदम मस्त सा मेंटेन करना है, वाटर टेम्परेचर आपको एकदम इसके हिसाब से रखना है, ना ज़्यादा ना कम, और आपको 20 से 25% पानी हमेशा वीकली चेंज करते रहना और बहुत ही हाई फ्लो वाला फिल्टर नहीं रखना है। ओरिंडा गोल्डफिश को एकदम ऑक्सीजन रिच वाटर चाहिए और कोशिश करिए कि सबस्ट्रेट में आप इसको सैंडी सबस्ट्रेट रख दीजिए, ग्रेवल ये सब मत रखिए। वैसे तो गोल्डफिश के साथ बहुत लोग होता है कि बेयर बॉटम टैंक भी रखते हैं, क्योंकि गोल्डफिश काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और बेयर बॉटम टैंक में उसको साफ़ करना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। अगर हम कोई सबस्ट्रेट डाल देते हैं तो उनको प्रॉपर वैक्यूम करना पड़ता है, कभी कभी हम ग्रेवल डाल देते हैं और काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं जिससे वो वैक्यूम नहीं होता, हमको पूरा ग्रेवल निकाल के साफ़ करना पड़ता है। तो आप बेयर बॉटम भी रख सकते हैं और नहीं आपको सबस्ट्रेट रखना है, नहीं मुझे एक्वेरियम बेयर बॉटम पसंद नहीं है, तो आप सैंडी सबस्ट्रेट डाल सकते हैं। और हाँ, मैंने इसमें बता दिया आपको, पर फिर से बता देता हूँ कि वीकली आपको 25 से 35% तक पानी चेंज करते रहना है। वो तो गोल्डफिश की सारी वैरायटीज में प्रॉब्लम होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, पर जो ओरिंडा गोल्डफिश है ये नॉर्मल गोल्डफिश से भी ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये नॉर्मल गोल्डफिश तो पहले से ही दूसरे फिश से कंपेरिजन में ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती थी, अब ये ओरिंडा उनसे भी ज़्यादा करती है। तो आपको फिल्ट्रेशन एकदम मस्त सा रखना है और ऊपर से आपको पानी जो बदलने का रूटीन है उसमें बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना है, एकदम वीकली पानी आप बदलते जाइए जिससे आपकी फिश का जो वाटर क्वालिटी एकदम मस्त सा बना रहे। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि किसी भी एक्वेरियम में किसी भी फिश के साथ अगर आप वाटर क्वालिटी अच्छी रखते हैं ना, तो उस फिश को जो डिजीज़ बहुत कॉमन तरीके से हो सकती थी वो भी नहीं होती है, आपकी फिश काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखती है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है। वो चीज़ देख के हम लोग पर्सनली बहुत खुशी होती है कि हाँ यार मेरी फिश जो मैं 8 साल से रख रहा हूँ 2 साल से रख रहा हूँ काफ़ी अच्छे से रह रही है। तो एक क्विक रिविज़न कर लेने क्या क्या बातें ध्यान रखना है, तो 8 से 9 इंच बड़ी हो जाती है और पीसफुल वैरायटी है, इससे सिर्फ एक फ्लेसी ओवरग्रोथ होता है, मैक्सिमम टाइम में स्विम करती रहती है, ज़्यादा हाइट नहीं करती, पर काफ़ी डेलिकेट वैरायटी होती है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए इसके पॉइंट्स को। वो है कि इसको पुअर वाटर क्वालिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टेम्परेचर एकदम बराबर चाहिए इसको, ज़्यादा तेज स्विम नहीं करती है इसलिए इसको हाई फ्लो नहीं चाहिए वाटर में, ऑक्सीजन रिच वाटर चाहिए, सैंडी सबस्ट्रेट चाहिए, नॉर्मल आप जो वाटर चेंज करते हो आप वो वीकली करते रहो, आपकी फिश एकदम मस्त तरीके से रहेगी, एकदम हेल्दी तरीके से रहेगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोई भी सवाल पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको वहीं पर जवाब दे दूँगा।